दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ टॉप टू मिनिमल थीम्स जो कि बहुत ही कमाल की होने वाली है। फर्स्ट वाली थीम आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होम स्क्रीन डिजाइन देखने को मिलेगा एंड लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, कंप्लीट फीचर्स बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं कैसे आप इन थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो एंड कौन से आपको यहाँ पे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने यहाँ पे मिनाटो एनिमी सेटअप अपलोड कर दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। तो देखो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर की थीम से। तो फर्स्ट नंबर की थीम में मैंने यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर देखने को मिलता है सेम यहाँ पे भी होम स्क्रीन में भी ऐड कर रखा है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लेना। साथ ही यहाँ पे आप आइकन्स देख सकते हो, कंप्लीट आपके सामने चेंज देखने को मिलेंगे एंड आइकन्स में आपको एक न्यू एनिमेशन देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो सिस्टम आइकन्स देखने को मिलता है उनमें कुछ आइकन्स में आपको एक न्यू कैरेक्टर ऐड करके दिया जाता है, तो देखने में यार बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पे बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में तो वो चेंज नहीं होगा, ओनली कुछ टॉगल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे एंड ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन सेंटर का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड टॉप में आपको जो स्टेटस बार देखने को मिलता है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बात करते हैं सिस्टम यूआई के बारे में, तो आप ऑन करोगे यहाँ पे सिस्टम यूआई को के सामने कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट चेंज हो जाती है एंड कलर भी आपके सामने चेंज करके दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको जो टॉगल्स के आइकन देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। आप देखो बात करें वॉल्यूम बार के बारे में तो यहाँ पे तो आपको एक नॉर्मल यूआई देखने को मिलेगा, बट आप जैसे टैप करोगे आपके सामने यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं मेन फीचर यानी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो आप ऑन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा। जैसे आप अपनी लॉक स्क्रीन को ऑन करोगे आपके सामने एक डिफरेंट टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपको मैं वापस से दिखाता हूँ एंड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके सामने यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको विजिट ऐड करके दी जाती है एंड कुछ आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए जाते हैं, उनको आप कैसे यूज़ करोगे आपको स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में स्लाइड करना है एंड जैसे आप स्लाइड करोगे आपके सामने कुछ टॉगल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो विजिट ओपन हो जाती है, टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, साथ ही कैलकुलेटर एंड कुछ सोशल मीडिया एप्स देखने को मिल जाता है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे बॉटम में टॉर्च का आइकन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग टॉर्च ऑन कर सकते हो एंड यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो देखने में यार ये थीम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड अब बात करें इस थीम को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको ये नेम टाइप करना पड़ेगा, हाइड्रा पावर के नाम से आपको देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आप क्रिएटर का नेम देख सकते हो। अगर आपकी थीम, आप देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, अगर आप थीम का नेम सर्च करते हो अगर आपके सामने थीम ओपन नहीं होती है तो आप यहाँ पे क्रिएटर का नेम सर्च करना, उसके बाद ही आपके सामने यहाँ पे ये थीम देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों में आप इस थीम को यूज़ कर पाओगे। साथ ही बात करते हैं हमारी सेकंड नंबर की थीम के बारे में, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके सामने होम स्क्रीन डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे वॉलपेपर में ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा बट यहाँ पे आपको जो विजिट देखने को मिलती है वो कंप्लीट यहाँ पे चेंज हो जाती है। विजिट में आपको 3 या 4 फीचर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे विजिट में आपको म्यूजिक प्लेयर भी ऐड करके दिया जाता है। साथ ही आइकन्स देख सकते हो, कंप्लीट आइकन्स में आपके सामने चेंज देखने को मिलेंगे एंड स्मॉल आपको यहाँ पे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में तो इस थीम में भी आपको कंट्रोल सेंटर ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा एंड बात करें नोटिफिकेशन सेंटर के बारे में तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सिस्टम यूआई की बात करें तो आप ऑन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड अब देखो बात करते हैं मेन फीचर यानी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो आप ऑन करोगे अपनी लॉक स्क्रीन को आपको कुछ ऐसा यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिलेगा। साथ ही इस थीम में भी आपको लॉक स्क्रीन में शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये वॉलपेपर आपके सामने यहाँ पे चेंज हो जाएगा, विजिट भी चेंज हो जाती है एंड देखो राइट साइड में आप स्क्रॉल करोगे आपके सामने कुछ टॉगल्स ओपन हो जाएंगे एंड ये टॉगल्स आप देख सकते हो बॉटम में आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है एंड टॉप में आपको एक डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। बैटरी परसेंटेज आपको ऐड करके दी जाती है। अब देखो यहाँ पे जो टॉर्च का टॉगल देखने को मिलता है वो थोड़ा बड़ा करके दिया जाता है एंड कंप्लीट म्यूजिक प्लेयर भी आपके सामने यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब बात करें इस थीम को आप डाउनलोड कैसे करोगे। थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे थीम स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला नेम सर्च करना पड़ेगा, आपके सामने थीम ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप क्रिएटर का नेम देख सकते हो, दोनों थीम्स आपको सेम क्रिएटर की मिल जाती है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएटर का नेम सर्च करना एंड और भी आपको थीम्स देखने को मिल जाती है तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख सकते हो। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।